कहाँ लेके जा रही हो मुझे? अरे चलो ना। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों एक साथ कितने प्यारे लगते हैं। आंटी, कैसी हैं आप? कितने दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं तो बिल्कुल ठीक भाई। बिजी तो तुम रहती हो, मेरा बस चले तो मैं तो तुम्हें आज ही अपने साथ घर ले जाऊं। नहीं आंटी, अब ऐसी भी क्या जल्दी है। मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यही बात तो मैं खुद से पूछ रही हूँ। मेरा ख्याल है मम्मी, हमें चलना चाहिए, देर हो रही है हमें। हाँ बेटा, बहुत अच्छा ख्याल है। चलिए, मुझे इजाजत है, फिर इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, खुदा हाफिज। मैं गाड़ी में जा रहा हूँ मम्मी, आप आ जाइए। मैं चेक करती हूँ अरसलान को सी ऑफ कर दूँ। आ जाए आप। चलो, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, दादो चली गई? जी, लेकिन आपसे बहुत नाराज थी क्यों? और सलान से मिलना चाहती थी। तकरीबन पूरा साल ही आ रही है, अब क्या हम सबकी जान लेकर जाती? कम से कम आप ही जल्दी आ जाते। दादी बहुत शिकवा कर रही थी। सामने मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं भी किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। तुम प्लीज चाय बना दो मुझे। मम्मी, आप चाय पियेंगी? एक बात तो बताओ सामिया, जी, तुम्हारे और फुरकान के बीच में क्या चल रहा है? बेवकूफ बना रही हो ना उसे? तुम्हें क्या लगा कि मैं अगर थोड़ी देर के लिए बाहर गई हूं तो मैं वापस नहीं आऊंगी? तुमने फुरकान को लिया और उसको लेकर बाहर निकल गई? हाँ मम्मी, वो हम फरकान तो तुमसे भी ज्यादा तेज निकला। अरे उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि वो तुम्हारे साथ कहीं गया ही नहीं था। वैसे एक बात तो बताओ, मर्दों पे ऐसा क्या जादू करती हो तुम जो वो तुम्हारे दीवाने हो जाते हैं? मैंने फरकान को मना किया था। हम अकबर भाई के पास गए थे। या अल्लाह, वो भी मतलब किसी एक बहन के शौहर को तो छोड़ दो कम से कम। हमी, जब आप हकीकत जानती नहीं तो इल्जाम लगाने का मुझ पर कोई हक नहीं रखती। ये मेरा पहला और आखिरी अल्टीमेटम है तुम्हारे लिए। अगर तुमने ये दो नंबरियां नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी।